जय श्री राम। आज हमारे पास फिर से एक कांटा हुई है। कैपेसिटी का बात करो तो 60 केजी की अप्रॉक्स कैपेसिटी है और इसका हालात कुछ आप देख सकते हो। जैसे इसकी लोड सेल इसमें से खोली गई है। हेड का बात करो तो हेड का हालात कुछ यूँ है कि इसमें कोई भी नट वगैरह नहीं है। ये जैसा हमारे पास आया था सेम टू यू वैसा ही आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें कोई भी बैटरी है लेकिन बैटरी इसका एक्टिव नहीं है। ये पूरा का पूरा ओपन था और इसमें प्रॉब्लम आप अगर देखोगे तो कुछ विचित्र टाइप है। पहले तो आप इसका लोड सेल देखो तो ये अलग से है। आप लोग बोलेंगे इसमें क्या विचित्र है, तो भाई साहब थोड़ा सा लोड सेल पे गौर रूप से आप ध्यान देना, उसके बाद देखना कि आपको क्या दिखाई देगा। तो आप जहाँ पे इसका जो मेमरीज लगी रहती है, ये मेमरीज सेंसरिंग आईसी, वहाँ पे देखो तीन तीन आईसी यहाँ भी है और तीन आईसी इसके पीछे भी है। कि जितनी भी वायर इसमें लगाई गई थी सारी की सारी वायर कट गई है। कटने के रीज़न से ये लोड सेल डेड हो गया था और किसी भाई साहब ने बोला कि अब लोड सेल चेंज करनी पड़ेगी, ये बन नहीं सकता है। तो हमने फाइनल डिसीजन ये लिया कि हमको इसको मतलब ट्राई अगेन करना है कि आखिरकार ये लोड सेल सही होता है कि नहीं होता है। चलिए मैं पहले इसकी मतलब जो भी दुविधाएं हैं इसको दूर करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि आखिरकार अगर आपकी भी लोड सेल के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हालांकि अगर इसका मेमोरीज में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो फिर हम नहीं कर सकते। बाय द वे अगर वायर में कोई भी फॉल्ट हुआ होगा तो फिर हम उसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वायर के लिए। तो वायर में आपको देखने को मिलेगा आपको इसमें रेड और ब्लैक और आपका ब्लू और वाइट। तो रेड और ब्लैक से आपका इसका पावर जाता है इसमें और इससे जो वाइट और ब्लू से होता है इसका डाटा आता है, यानी कि इधर से जो डाटा होता है आपके पास बोर्ड तक पहुंचता है। तो बोर्ड से इसकी सारी की सारी कनेक्शन अलग है। ये हमारी लोड सेल की वायर हो जाती है जो कि चारों के चारों अलग काट करके अलग कर दी गई है। तो हम फटाफट से जो भी वायरें जो इसमें से लोड सेल से कटी है या आपको बारीक से जो पतली पतली सी वायर है या अगर आपकी भी लोड सेल के साथ कट जाती है, ये अक्सर चूहे के कारण होता है। जो कि चूहा बहुत ही मतलब छोटा छोटा जो चूहा होता है वो आपकी वायर को ज़्यादा नुकसान कर देता है, जिसके कारण से आपकी लोड सेल जो है डेड हो जाती है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये समथिंग 60 केजी मतलब समथिंग 1 केजी है लेकिन कांटे की कैपेसिटी 60 केजी बनी गई है। ये लोड सेल 1 क्विंटल की है, तो 1 क्विंटल लोड सेल का बात करूँ तो अप्रोक्सली आपको 1300 के आसपास आ जाती है। तो फटाफट से इसको हम क्लियर करते हैं और उसके बाद में अगर आपके भी लोड सेल के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, इस बारीक सी वायर को अगर चूहा काट देता है या कोई भी और प्रॉब्लम होता है तो आप आसानी से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से इसकी। पहले सर्वप्रथम तो हम वायर को सारी की सारी जो भी वायर टूटी है सारी की सारी वायर जोड़ लेते हैं, उसके बाद में आगे इसका डाटा के बारे में बात करते हैं। तो मेरे भाई मैंने वायर को देखो बहुत ही बारीक रूप से मैंने सोल्ड कर लिया हुआ है, जो कि ये सेंसर से वायर जो छोड़ा हुआ था ना ये बहुत ही बारीक रूप से हमने सोल्ड कर लिया हुआ है। इसके विश्लेषण के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, मतलब इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी इसको टेस्टिंग कर लेते हैं हम। इस पर रख के जोड़ते हैं हम डाटा का और देखते हैं कि क्या हमारा लोड सेल अब एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ था। हम फटाफट से इसकी, तो वैसे मैंने लोड सेल का पूरा वायर कनेक्शन कर लिया हुआ है, ऐसे देखो कलर बाई कलर कर लिया हुआ। मशीन को भी हम रख लिया हुआ साइड में। अब इसको हम ऑन करते हैं ना और देखते हैं कि क्या इसका मतलब कंडीशन जो है क्या आता है रिज़ल्ट हमारे सामने। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारी कोई भी डाटा इसमें इंटर नहीं हुआ है, यानी कि हमारे लोड सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो हम इसका वोल्ट अब चेक टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हमको कन्फर्म हो पाएंगे कि हाँ हमारा एक्चुअल में लोड सेल का प्रॉब्लम है या आपका वायर का प्रॉब्लम है। हो सकता है वायर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वायर भी शॉर्ट था, तो मैंने वायर को डायरेक्टली हटा लिया है। उसके बाद देख लो कि हमारी लोड सेल जो है अब सेंसरिंग ले रही है, यानी कि पहले जो टेढ़ा वायरी करने पे ले रहा था लेकिन अब पीछे से वायर कटने के कारण से यहाँ भी चूहे ने कुछ हो सकता है कारनाम करने के बाद में काम नहीं कर रहा था। तो हमने इसको अंदर से इसका डायग्राम वगैरह पूरा ले रखा है। जैसे अभी हम टेस्ट करते हैं तो इस पर कुछ वजन रखते हैं, देखते हैं कि हमारा सेंस करता है कि नहीं करता है। तो अब ये वजन कम है इसलिए नहीं कर रहा है, 10 ग्राम से कम होगा तो नहीं करेगा। तो ये आप देख सकते हो 10-10 की इसकी पैर से उठ रही है, यानी कि 10 ग्राम से ये कांटे बांधे गए हैं। तो इस पर हम वजन को रखते हैं तो देखो वजन तो हमारी इंक्रीज़ हो रही है। 5 केजी का बाट रखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी 5 केजी की बाट परफेक्ट रूप से मतलब इसका एक्चुअल वोल्टेज मतलब जो वैल्यू होता है वो ले पाता है कि नहीं। तो एक्चुअल वैल्यू हमारा सही है, हो सकता है इसके गर्दा माटी या कुछ भी पड़ने के कारण से इसकी वैल्यू 50 ग्राम बढ़ गया हो, लेकिन जो भी इसकी वैल्यू आ रही है सो एक्चुअल और एक्यूरेट आ रही है। यानी कि मैंने 5 किलो का बाट रखा तो 5.50 शो कर रहा है। हो सकता है 10 ग्राम ज़्यादा होगा लेकिन जो भी है लोड सेल काम करने लगा। अब हमारी 1300 रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो हम इसका आसान सा सॉल्यूशन वायर को मतलब इस साइड करेंगे। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि आखिरकार अगर आपकी भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो लोड सेल को कैसे जोड़ी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका लोड सेल जोड़ना। लोड सेल पे आप देख सकते हो बारीक रूप से 3 माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रो मेमोरीज लगाए गए हैं यहाँ और यहाँ और यहाँ,
इसके तीनों मतलब माइक्रो मेमोरीज होते हैं और इसके पीछे साइड भी सेम मेमोरी होते हैं, तीन इधर भी लगे रहते हैं और तीन इधर भी लगे रहते हैं। और इसमें बहुत ही पतली पतली सी वायर आके जुड़ी रहती है जैसे आप देख सकते हो, और हर एक वायर की जो होती है अपनी अपनी कलर कोडिंग होती है। अगर अगर आपकी वायर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर आप आसानी से उसको पहचानना कैसे होगा, ये देखिए। जो इसमें आप देखोगे जो दो रेड वाली वायर होगी सबसे आगे वाली मेमोरी से जुड़ेगी, और उसके जस्ट अपोजिट में जो वायर होगा वो आपका दो ब्राउन होगा, उसके नीचे दो ब्राउन होगा। तो ये भी जो दोनों ब्राउन ब्राउन से है, तो आखिरकार इसमें से कौन पहचानी जाएगी कि कौन मिडिल वाली सेंसर की और सबसे लास्ट वाली सेंसर की है। तो यहाँ से जो वायर जा करके जो अंदर जुड़ी रहती है ना यहाँ पे, ये आपका तीनों स्टेप में बनाए रहते हैं कि एक स्टेप का कौन सा है, दूसरे स्टेप का कौन सा है और तीसरे स्टेप का कौन सा है। तो जब इसको ओपन करोगे तो फिर आपको तीनों सेंसर से वायर ला करके यहीं पर जुड़ी रहती है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हालांकि वायर के टुकड़ा यहाँ पे पड़ा रहता है, आसानी से जोड़ भी ली जाती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर इस तरह की दिक्कत आपके भी लोड सेल के साथ होती है तो इस लोड सेल को बदलने से बेटर है बना भी सकते हो। तो आशा करता हूँ कि 1500 रुपये के आसपास इसको मतलब बना करके आसानी से बचा सकते हो। तो ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी? अगर आपके लोड सेल के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसको सेट कर लेना है, सेट तो कोई भी कर सकता है। मिलते हैं ना जानकारी के साथ। किसी भी तरह की और जानकारी की चाहिए, कैलिब्रेशन करने का तरीका चाहिए या कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स कर सकते हो, कमेंट बॉक्स की पूरी फुल रिप्लाई मिलेगी। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। आपका भाई प्रिंस।